के रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह वार पलटवार हो रहा है। इस पर हम खास बात करेंगे। हमारे साथ धीरे धीरे लोगों का जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया कि आखिरकार रामपुर की जनता के मन में क्या है, मूड क्या है। आपको बता दें, हमारे साथ अभी दो खास मेहमान है। बीजेपी की तरफ से शानू जी रहेंगे, जो कभी समाजवादी पार्टी में खास रहे, यानी आजम खान के करीबी रहे, वो हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। और हमारे साथ अभी मेहंदी हसन साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है। पहले मैं उनसे एक राय ले लेता हूँ। मेहंदी हसन जी, आप कैसे देखते हैं? अभी आजम खान ने विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे, फिर केस दर्ज हो गया। देखिए, क्या है कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का एक पहचान है, कहा जा सकता है। लेकिन चुनाव के ऊपर चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, हम लोग विवादित बयानों को तो देख लेते हैं, हम मुद्दों को जो है, जो बेसिक मुद्दे हैं, उन्हें नहीं देखते। लेकिन क्योंकि एक जर्नलिस्ट हैं हम, तो हम इस बात को भी देखते हैं कि आखिर क्यों इतने चुनाव रामपुर की जनता के ऊपर लाद दिए जाते हैं, जो इसका नुकसान है, ये कितना बड़ा नुकसान है, इस तरफ चुनाव आयोग का ध्यान क्यों नहीं जाता? तो वो भी तो कसूरवार, फिर उसके लिए भी आजम खान है। वो हेट स्पीच दी उन्होंने और आज भी फिर वही विवादित बयान, जो उन पर केस दर्ज हो गया। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो आप जहां तक सही बात कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो मेन जो बात है, जो मेन चीज है, हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग को कुछ इस तरह के रूल रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि जिससे कि जनता इन चुनाव के जो बोझ हैं, इस बोझ से कम निजात पा सके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चले, मैं आ रहा हूँ शानू जी। आपने तो बड़े करीब से आजम खान साहब को देखा। आजम खान साहब क्यों इस तरह के विवादित बयान? आप देखिए, आज रामपुर चुनाव में मोड़ में आ गया, उसके लिए जिम्मेदार आजम खान है, क्योंकि हेट स्पीच नहीं देते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। फिर उन्होंने महिलाओं को लेकर एक फिर विवादित बयान दे दिया, बच्चों को लेकर, बच्चों के पैदा करने को लेकर, और अब उन पर केस दर्ज हो गया। तो वो बात क्यों नहीं आते? मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि चुनाव का आखिरी मरहला है। यहाँ बात क्या हो रही है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नेता की तरफ से घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, रामपुर वालों को बदतमीज कहा गया, बगैरत कहा गया, हंसी की बात पर कोई हंस गया तो ये कहा गया तुम समाज के लिए कैंसर हो, ये कहा गया, शराबी कहा गया, अय्याश कहा गया, और हद ये हो गई कि ये कहा गया जो शोले फिल्म में गब्बर ने भी नहीं कहा था। गब्बर ने तो ये कहा था कि जब बच्चा को सुलाना होता है तो माँ कहती है सोजा मरना गब्बर आ जाएगा। मैं आजम खान की पत्नी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुना देते, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 1990 को हुआ है, लेकिन बावजूद तमाम प्रमाण पत्रों के, तमाम सबूतों के, शायद मैं मुझे कहीं दर दर भटकने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल सका है, और मैं सच को सच साबित करने में नाकाम रही हूँ, या सच को सच साबित होने नहीं दिया गया है। FIR में जिस चीज का खास तौर से जिक्र है, तो उसमें उन्होंने, आजम साहब ने खुद अपने आप को ही कहा है कि अगर मैं इतना जालिम होता तो बच्चा होने से पहले माँ से बच्चा पूछता कि मुझे दुनिया में आना है या नहीं आना है। तो ये तो आजम साहब ने खुद अपने लिए कहा था, किसी माँ बहन के लिए नहीं कहा था, जिसको घुमा फिराकर FIR लिखवाई गई।